तो हियर डीएनए हमने देख लिया कैसे फ्रीक्वेंसी है, तो अब मैं मूव करने वाला हूं दैट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ध्यान देने की कोशिश करिएगा, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने से पहले यू हैव टू नो द डीएनए नेचर। डीएनए जो है आपके दो तरीके के हो सकते हैं, इट कैन बी लीनियर और इट कैन बी सर्कुलर। ये आपका लीनियर भी हो सकता है और ये सर्कुलर भी हो सकता है। डीएनए कैन बी लीनियर और डीएनए कैन बी सर्कुलर, एनी काइंड ऑफ डीएनए कैन बी देयर। डीएनए जो है आपका लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, और ये जो है आपके अलग अलग एंड पे जो है डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो है लीनियर, अगर लीनियर होगा तो देयर इज टू एंड, सर्कुलर होंगे नॉर्मली। अगर लेट मी लाइक सी हियर, ओके, लीनियर शुड बी लाइक समथिंग पैरेलल इस तरीके से है, एंड सर्कुलर भी कुछ उसी तरीके से आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। नाउ दिस वन, ठीक है। तो ये है 5' एंड, ये है 3' एंड, इसी तरीके से 3' एंड, 5' एंड, ये है आपका सर्कुलर डीएनए। इसमें एंड्स फ्री नहीं होते, ठीक है। तो डाइजेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करता है, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है इट कट द साइट, जब ये कट करेगा तो इट विल जनरेट टू एंड। ये क्या करता है, दो एंड को जनरेट करता है। एक जनरेट कर सकता है स्टिकी, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, और इसको बोलते हैं कोहेसिव, कोहेसिव एंड। या ये जनरेट कर सकता है आपके ब्लंट एंड को, ये ब्लंट एंड को कर सकता है। नाउ अब ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि स्टैगर्ड है तो ये 3' ओवरहैंग जनरेट कर रहा है, ठीक है, या जो है 5' ओवरहैंग जनरेट कर रहा है, 5' ओवरहैंग जनरेट कर रहा है। सो दिस इज द केस कि ये तो या तो ब्लंट एंड जनरेट करे या इन सब चीजों को जनरेट कर सकता है। तो अगर नॉर्मली जिस एंड की तरफ होगा, एक ट्रिक यहां पे बता रहा हूं कि कौन सा ओवरहैंग जनरेट होगा, कैसे, जस्ट ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं 5' जी ए ए टी टी सी, यह इको आर वन का आपका एग्जाम्पल। देखिए ये जी ए ए इधर है, एक 3 याद कर लिया तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री इधर आ जाता है, ये देखिए जी ए ए और ये है सी टी टी, हो गया 5' टू 3', बस 3 आपको याद करना है। देखिए जी का सी, ए का टी, ए का टी, इस तरीके से ऑर्डर चलता रहता है, ये है इको आर वन। यहाँ पे जो कटिंग साइट होती है ये होता है जी और ए के बीच में और जी और ए के बीच में। ये जो कट साइट है वो किस एंड के नजदीक है, नियर 5' एंड। नियर जब 5' एंड होगा तो देखो ये कट होगा जब, तो आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा 5' एंड मिलेगा जी, ठीक है। ये जो है इस तरीके से कोई डीएनए सेगमेंट मिलेगा सीयर, कि ये इधर कुछ डीएनए सेगमेंट रहेंगे, कुछ इधर रहा होगा, कुछ इधर डीएनए सेगमेंट, कुछ इधर, तो अल्टीमेटली ये कुछ मिलेगा सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट इधर मिलेगा, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट अगर मैं बात करूं तो ये है आपका, यहां पे बचेगा जी, भूल जा रहे हैं आप लोग, देखिए ये जी तो मिलेगा ना, जी और ए के बीच में कट कर रहा है तो यू विल फाइंड जी हियर और यहां पे भी जी हियर, ठीक है। सो ये क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा जी, और जी का ये वाला एंड जो फ्री होगा, बिकॉज इधर वाला एंड 5' था तो ये वाला जो फ्री होगा 3' होगा। इसके बाद ये हो जाएगा ए ए टी टी सी और ये वाला एंड है 3', तो इससे ये जो वाला जो एंड मिलेगा वो मिलेगा 5'। इसी तरीके से दूसरा देखिएगा, इसके नीचे वाला हिस्सा ये है सी टी टी ए ए, ये साइड मिलेगा और ये 5'। सिमिलरली यहाँ पे है जी और ये 5'। ये आपको मिलने वाला है, देखो 3' एंड था तो ये आपको 5', ये 5'। अगर आप देख रहे हो तो जो ओवरहैंग पोर्शन है, जो लटका हुआ पोर्शन है, वो एक्चुअली क्या है, जो लटका हुआ पोर्शन है यहाँ पे और यहाँ पे, वो एक्चुअली क्या है, ये देखिए 5' ओवरहैंग है, 5' ही एंड का तो है, दिस इज 5' ओवरहैंग। और ये भी देखेंगे तो ये भी है 5' ओवरहैंग। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर आपने देखा कि एक्चुअली में जिस साइट की तरफ, जिस एंड की तरफ कट कर रहा है वही आपको जनरेट होगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली 3' ओवरहैंग में आपको कुछ इस तरीके से चीजें मिलेंगी जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था 3' ओवरहैंग में, ठीक है।
दैट वॉज लाइक कि दिस वन ये मिलेगा एंड दिस वन थ्री प्राइम मिलेगा ओवरहैंग, जबकि फाइव प्राइम ओवरहैंग में आपको ये इस तरीके से केसेस मिल रहे हैं, दिस इज लाइक फाइव प्राइम एंड फाइव प्राइम, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो, जिधर कट कर रहा है उसी तरीके से हैंग मिल रहा है, मतलब फाइव प्राइम एंड की तरफ कट कर रहा है तो भैया फाइव प्राइम ओवरहैंग मिलेगा, अगर वो थ्री प्राइम एंड की तरफ कट कर रहा होता तो वो थ्री प्राइम ओवरहैंग जनरेट करता, अलग अलग एंजाइम्स जो होते वो पाए जाते हैं। और ब्लंट एंड तो भैया बीच में कट करता है, दोनों तरफ बैलेंस करता है, किसी एंड की तरफ नहीं होता। नाउ अगर मैं बात करता हूं जी ए टी सी, ये जो साइट है एच ई थ्रेड का है, ये दोनों के बीच में कट करेगा। जब इस तरीके से करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मली आप देखें, ठीक है, सो इनके बीच में कट करेगा तो ना इस एंड का है ना इस एंड का है, तो दिस इज वेरी सिंपल कि आपको मिलेगा ब्लंट एंड, यहां पे जी ए, ठीक है, यहां पे मिलेगा दैट सी टी, सो दिस इज द केस, और ऊपर मिलेगा सी टी, नीचे मिलेगा जी ए, तो ये अल्टीमेटली ब्लंट एंड के केस हो जाएंगे, पूरा का पूरा ऐसे मिलेगा, कोई हैंग नहीं हो रहा है, तो इनको बोलते हैं ब्लंट, ठीक है। सो ये ब्लंट एंड का मतलब कोई ओवरहैंग की बात नहीं हो रही है, कोई एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं हो रहा है, सो दीज काइंड ऑफ डाइजेशंस कैन बी देयर, यहां पे कुछ इस तरीके के डाइजेशंस जो हैं वो आ सकते हैं। नाउ इसके अलावा जो है डाइजेशन कैन बी लाइक, अगर ये कुछ कुछ डाइजेशन के ऊपर बात की गई थी, डाइजेशन कैन बी पार्शियल और कंप्लीट, डाइजेशन जो हो सकते हैं डाइजेशन कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। डाइजेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो डाइजेशन कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। व्हाट शुड बी कंप्लीट एंड पार्शियल, पार्शियल का ये मतलब होता है दैट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पार्शियल का मतलब है दैट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कट करेगा नहीं करेगा, सारी की सारी चीजें आपके पार्शियल में आ जाएंगे। कंप्लीट का मतलब ये होता है ऑल साइट कट साइमल्टेनियसली, ऑल साइट कट साइमल्टेनियसली, सारे के सारे जो हैं एक साथ कट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेशन। अभी हम करके दिखाएंगे, सो डोंट वरी, डाइजेशन कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। तो पार्शियल का मतलब है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड कंप्लीट का मतलब है सारा का सारा एक साथ कट हो जाएगा, ठीक है। सो कंप्लीट और पार्शियल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, यहां पे एक आपका ये है जीनोम, ये है एक जीनोम, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सेगमेंट है ए बी लाइक सी एंड ए बी सी डी, इसी तरीके से ए बी सी एंड डी। हियर अगर हम इस तरीके से इसको साइट दे दें तो ये है साइट वन, ये है साइट टू, ये है साइट थ्री, जहां पे कट करेगा, ठीक है, दीज आर द साइट्स। इसी तरीके से दीज आर साइट वन, साइट टू, साइट थ्री, ठीक है, दिस साइट, ये जो है साइट आपको बताया जा रहा है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। नाउ व्हेन यू डू द कंप्लीट डाइजेशन, अगर हम बात करते हैं कंप्लीट, अगर आप इसको कंप्लीट डाइजेशन पे लेके जाओगे ना तो आपको क्या मिलने वाला है, लाइक कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है ऑल साइड्स साइमल्टेनियसली, ऑल साइड्स कट होगा साथ साथ, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको ये मिलेगा, देखो यहां कट करेगा तो एक फ्रेगमेंट ए मिलेगा, यहां करेगा तो बी, फिर आपको मिलेगा सी और फिर मिलेगा डी, सो दिस वुड बी ए बी सी एंड डी। ये देखिए यहां पे ये चीज जो है इन्वॉल्व हो गई थी। नाउ अगर इस केस में हम बात करें कि पार्शियल डाइजेशन, अगर हम पार्शियल के ऊपर बात करें तो देखिएगा पार्शियल में पहला केस ये बनेगा कि देयर इज नो कट, हो सकता है कि कोई कट ही ना हो, जब कोई कट ही ना हो तो पूरा का पूरा आपको जीनोम मिल जाए, सारा का सारा सेक्शन जो मिल जाएगा भैया ए बी सी डी सब मिल जाए हमें, ए भी मिला, बी भी मिला, सी भी मिला, डी मिला, द टोटल वन, पहला केस। दूसरा केस हो सकता है कि पहले साइड पे कट हो, जब पहले पे कट होगा तो आपको एक ए मिलेगा और एक बी सी डी मिलेगा, ये मिलेगा। हो सकता है कि आपके इस साइड पे कट हो सेकेंड पे, जो इस साइड पे कट होगा तो एक यहां से मिलेगा और एक सी डी मिलेगा।
हो सकता है कि तीसरे साइड पे कट हो, तो यहां से ये मिलेगा और एक डी मिलेगा। हो सकता है कि पहले और दूसरे पे कट हो सकता है कि पहले और दूसरे पे कट हो, तो एक ये मिला, फिर उसके बाद दूसरा मिला, फिर सी डी मिला। हो सकता है कि दूसरे और तीसरे पे कट हो, तो ये आपका क्या मिलेगा, दूसरे और तीसरे पे, तो यहां तक ये पोर्शन मिलेगा और इसके बाद ये मिलेगा, दूसरे और तीसरे पे सी एंड डी। हो सकता है कि तीसरे और पहले पे हो, तो तीसरे और पहले पे होगा मतलब ये मिलेगा, फिर बी एंड सी मिलेगा एंड दिस इज डी। एंड हो सकता है कि तीनों के तीनों कट हो जाए, हो सकता है कि तीनों के तीनों कट हो जाए, तो हो सकता है ये मिले, ये मिले और ये मिले और ये मिले। तो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन रहे हैं, देखो मैं यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, नो कट, आपको यहां पे बताया गया कि भैया कोई कट नहीं हो सकती। क्या क्या केस बन सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो कट, कोई कट ही नहीं हुआ, या दूसरा ऑल कट, जो कि हम कंप्लीट डाइजेशन में बोलते हैं, भैया ऑल कट हो गया तो ए बी सी डी ये मिले। तीसरे के ऊपर बात करें तो कट एट साइट फर्स्ट, फर्स्ट पे कट करेगा तो ए मिला, इधर बी सी डी एक साथ मिल गया, बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इसके बाद अगर फोर्थ कॉम्बिनेशन हो गया कि कट एट साइट टू ओनली, दूसरे पे सिर्फ कट किया, तो आपको ए प्लस बी मिलेगा, एक वाला यहां से इधर मिलेगा और दूसरा सी प्लस डी मिलेगा। सिमिलरली फिफ्थ में अगर कट एट साइड थर्ड हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी एंड आपको डी मिलेगा। एंड द सिक्स्थ वन दैट पहले और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड कट करे, तो हो सकता है कि नाउ इसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड कट करे एंड देन उसके बाद सेवेंथ वाला कैटेगरी में जो हो जाएगा दैट सेकेंड एंड थर्ड कट करे। उसके बाद एट कैटेगरी में आपको बताया जा रहा है कि देयर इज केस जहां पे कि आपका थर्ड एंड फर्स्ट कट करे, ठीक है। सो वही चीज है, देखिए अगर फर्स्ट कट किया और सेकेंड कट किया तो आपको ए मिलेगा बी मिलेगा फर्स्ट एंड सेकेंड से, लेकिन ये आपका सी प्लस डी मिलेगा, ठीक है। एंड सेकेंड एंड थर्ड कट किया, जब सेकेंड एंड थर्ड कट किया आपका, तो देखिएगा सेकेंड पे कट किया ए प्लस बी यहां मिलेगा एंड फिर सी एंड फिर डी। एंड अगर फर्स्ट एंड थर्ड कट करेगा तो ए फिर आपका बी प्लस सी एंड देन डी। तो एग्जैक्टली यही केस है, देखिए अगर इस पे कट करेगा तो एक पोर्शन ये वाला मिलेगा डी, यहां से कट कर दिया तो एक, यहां से कट कर दिया तो ए मिलेगा और एक बी और सी पूरा मिलेगा। जब इस पे और इस पे कट किया था तो एक ए मिला एक बी मिला यहां से, फिर सी और डी साथ में मिलेंगे। तो वही सारी चीजें जो हैं आपको मिल रही थी। अगर आप इस पे देख पा रहे हो तो टोटल कॉम्बिनेशंस आपको ए बी प्लस सी या समथिंग लाइक दैट, ये सारे के सारे केसेस मिल रहे थे, अलग अलग तरीके के साइजेस मिल रहे थे कंप्लीट डाइजेस्ट में। तो केबी के साइज में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके मिले, एक में आपका ए बी सी डी अलग मिला, एक ए मिलके बी सी डी मिला, एक ए बी मिलके ए बी और सी डी मिला, यहाँ पे एक ए बी सी सी डी मिला और उसके बाद सी डी मिला, ठीक है, और दिस ए बी एंड बी सी। तो अल्टीमेटली आपके पास एक एक का पेयर बनेगा, फिर दो दो का पेयर बनेगा, फिर तीन का बनेगा, फिर चार का पेयर। तो पूरा का पूरा केस जो है सारे के सारे पॉसिबल ये है, दिस इज द पार्शियल डाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका पार्शियल डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन एंड पार्शियल डाइजेशन, ये सारे के सारे केस हो सकते हैं। नाउ इसके अलावा जो हो सकता है कि लीनियर और सर्कुलर डीएनए अलग अलग केसेस में हो सकते हैं, तो अलग अलग केसेस के डीएनए फ्रैगमेंट कंप्लीट डाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नाउ देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट डाइजेशन ऑफ लीनियर डीएनए, अगर हम बात करते हैं, देखिएगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ लीनियर, लीनियर डीएनए कंप्लीट डाइजेशन जो मैं आपको बता चुका हूं, देखिएगा बहुत बेसिक सा फंडा है, ठीक है। देखिएगा यहां पे क्या है कि सेम मैं अब साइज दे दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे है 4 KB, 3 KB, 2 KB एंड 1 KB, दिस इज लीनियर डाइजेशन, ठीक है। 3 KB इज फ्लैंक्ड बाई ए एंड बी, यहां पर साइट है 1 B एंड C, दिस इज द साइट। अगर आप कंप्लीट डाइजेशन कर रहे हो, इसका आपने अगर कंप्लीट डाइजेशन किया, कंप्लीट डाइजेशन करोगे तो सारे साइट एक साथ कट होंगे, कंप्लीट डाइजेशन करोगे यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी, तो यू विल फाइंड द थिंग्स, जब आपको मिलेगा इस तरीके से तो आपको क्या मिलेगा, 4 KB, 3 KB, 2 KB एंड 1 KB, यही फ्रैगमेंट मिलेगा।
दिस वुड बी लाइक 4 KB, 3 KB, 2 KB एंड 1 KB. ये आफ्टर द कंप्लीट कितने फ्रैगमेंट मिले? 4 फ्रैगमेंट. कितने फ्रैगमेंट मिले? 4 फ्रैगमेंट. साइट कितना था? साइट था 3. सो हियर इज अ फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ फ्रैगमेंट, ध्यान देना, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इज इक्वल टू द एन प्लस वन. नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इज इक्वल टू द एन प्लस वन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट. नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, जितना रिस्ट्रिक्शन साइट होगा उससे एक ज्यादा फ्रैगमेंट मिलेगा आपके किस में? लीनियर डीएनए के केस में. लीनियर डीएनए के केस में ये जो है केस आपका मिलने वाला. नाउ अगर हम बात करें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए, जब हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए, तो सर्कुलर डीएनए बना देते हैं भाई. देखिए ये है सर्कुलर डीएनए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. यहां पे मैं उसी तरीके से जो है केस बनाने की कोशिश करता हूं. सी, एक है 4 KB, एक है आपका 3 KB, दिस इज लाइक एक है 2 KB. ठीक है, देखिएगा ये केस आपका बन रहा है. इस केसेस में अगेन यू आर डूइंग द कंप्लीट डाइजेशन. अगेन आप इसको क्या कर रहे हैं? कंप्लीट डाइजेशन कर रहे हैं. कंप्लीट डाइजेशन किया तो देखिए यहां पे एक कट होगा, यहां पे कट होगा और यहां पे कट होगा. दीज आर द रिस्ट्रिक्शन साइट्स. सो यू विल फाइंड अ 3 फ्रैगमेंट. आपको बेसिकली 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे कुछ इस तरीके से. जब आप डाइजेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा 4 KB, एक मिलेगा 3 KB और एक मिलेगा 2 KB. यहां पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट कितने थे? नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट इज 3. रिस्ट्रिक्शन साइट 3 है. नंबर ऑफ फ्रैगमेंट कितना था? नंबर ऑफ फ्रैगमेंट भी 3 है. यानी आपको यह पता चल गया होगा इन द केस ऑफ दिस वन दैट नंबर ऑफ फ्रैगमेंट, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज द रिस्ट्रिक्शन साइट इन द केस ऑफ सर्कुलर डीएनए. सर्कुलर डीएनए के केस में ये जो है एन के बराबर हो जाता है. लीनियर में एक ज्यादा मिलेगा जितना साइट होगा, और सर्कुलर में जितना साइट होगा उतने ही फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने की कोशिश करिएगा. नाउ सो दीज आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं और अलग अलग चीजें जो होती हैं चलती हैं. नाउ अब ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि किसी भी पर्टिकुलरली पार्शियल डाइजेशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में सर्कुलर डाइजेशन में एक केस ध्यान दीजिएगा कि अगर डाइजेशन एट सिंगल टाइप, डाइजेशन एट सिंगल साइट, अपने क्या क्या सिंगल साइट पे डाइजेशन कर दोगे तो ये तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा. इट दिस शुड बी द लीनियर वन. ये जो है लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसको अपने डाइजेशन एक साइड पे कर दिया तो. और इसी लीनियर का फिर अलग अलग यूज होता है, मतलब डाइजेशन कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द केसेस जो कि यहां पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, होप यू गाइस कि ये जो यहां तक समझ में आएगा कंप्लीट डाइजेशन. नाउ पार्शियल डाइजेशन के ऊपर समझने की कोशिश करिएगा. पार्शियल डाइजेशन इज वेरी वेरी लाइक बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है. जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं ऑलरेडी, पार्शियल डाइजेशन, व्हेन यू सी द पार्शियल डाइजेशन उसी 4 KB उस चीज पे हम बात करते हैं, तो ध्यान देना कि पार्शियल डाइजेशन में चाहे सर्कुलर हो चाहे लीनियर हो, आप उस तरीके से चीजें कर सकते हैं. इसमें एक एंड पे लेबलिंग की जाती है. पार्शियल डाइजेशन में ध्यान देना कि डीएनए के एक एंड पे जो होती है यहां पे लेबलिंग की जाती है, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाए. लेबलिंग की जाती है और ध्यान देना कि लेबलिंग जो होती है ना, लेबलिंग एट वन एंड, एक एंड पे लेबलिंग की जाती है और लेबलिंग जनरली स्टिकी एंडेड पे होता है. किस पे होता है? स्टिकी एंडेड, स्टिकी एंड्स पे होता है, स्टिकी एंडेड डीएनए पे होता है, ना कि ब्लंट एंडेड पे. ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, लिंड जो होता है इसको विजुलाइज करने के लिए ऑटो रेडियोग्राम में हम ये काम करते हैं. सेम जैसे देखिएगा यहां पर है 4, 3, 2, 1. दिस इज लाइक 4 KB, 3 KB, 2 KB एंड 1 KB. दिस इज लाइक KB. इसमें क्या है, केबी में इस तरीके से मैंने साइज लिख दिया है. अब आपको कट करना होगा, यहाँ पे साइट्स जो हैं आपकी इन्वॉल्व हो जाएंगी. अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं ए लिख दे रहा हूँ,
बी लिख दे रहा हूं एंड सी लिख दे रहा हूं। तो अलग अलग केस बनेगा। पहला, व्हेन देयर इज नो कट, अगर आपको कट नहीं मिला तो पूरा का पूरा डीएनए फ्रैगमेंट मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा, दैट शुड बी लाइक दिस वन, ये पूरा मिलेगा। इसमें क्या आ जाएगा, फोर भी होगा, थ्री भी होगा, टू भी होगा, वन भी होगा, दैट शुड बी, यहाँ पे कुछ आपके लेबल्ड मिलेंगे और कुछ अनलेबल्ड भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कट होगा तो हम एक एंड पे ही लेबल्ड है, दोनों एंड पे लेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो लेबल्ड मिलेगा तो यहाँ पे 10 KB का जो है लेबल्ड मिलेगा, ये जो है अनलेबल्ड कोई बात ही नहीं हो रही है। दूसरा केस, व्हेन लाइक अगर हम बात करते हैं कट एट ए, अगर ए पे कट करे, हियर इज लाइक अगर ए पे कट करे यहां पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कट करेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे एक फ्रैगमेंट मिलेगा और ये इस तरीके से मिलेगा जो आपको बताया गया था। इस एंड पे लेबलिंग है यहां पे ऑलरेडी, तो ये मिलेगा 4, ये है 3 2 1, तो आपको लेबल्ड का फ्रैगमेंट मिला 4 KB और अनलेबल्ड का मिलेगा 3 2 6 1 7 7 KB, ठीक है। सिमिलरली अगर कट एट बी, बी पे कट करो यहां पे, तो आपको देखिए कि अगेन इस तरीके से केस मिलेगा, एक एंड पे लेबल मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक एंड पे लेबल मिलेगा बी साइड पे, ठीक है, यहां तक दिस इज लाइक ए बी, मैं ए बी सी, ठीक है, बी साइड तक मिलेगा, इसके पास दूसरा फ्रैगमेंट मिलेगा दिस वन, तो आप देखो एक एंड वाला लेबल है 4 और 3 और ये है 2 एंड 1, तो 4 प्लस 3 दिस इज लाइक 4 प्लस 3 7 KB मिला और ये है 3 KB जो कि अनलेबल्ड मिला। सिमिलरली फोर्थ केस में कट एट सी, सी पे कट किया तो अगेन दिस वुड बी लाइक यहां तक जाएगा वो और एक फ्रैगमेंट इधर मिला, तो ये केस क्या हो गया कि एक एंड पे लेबल मिला 4 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 1, ये है आपका केस, दैट इज 4 7 3 9 KB एंड दिस वुड बी 1 KB, ठीक है, ये चीज जो है वो चल रहा था। नाउ इसके बाद जो है दिस इज लाइक फिफ्थ वन, दैट कट एट दिस इज, अब मैं कॉम्बिनेशंस पे चल रहा हूं, यहां तक इंडिविजुअल कट था, अब मैं ए एंड बी इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। सो ए प्लस बी, जब ए प्लस बी पे कट करोगे तो ध्यान देने की कोशिश करना कि यहां पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ जाएंगे, ए और बी पे कट करेंगे, देखो एक कट मिलेगा आपको यहां तक एक के, उसके बाद ए वाला, उसके बाद फिर बी का कट यहां मिलेगा और उसके बाद दिस इज द केस, ए और बी पे कट करोगे तो ये आपका केस मिल जाने वाला, दिस इज 2 एंड 1 3 एंड 4, अगेन आपको लेबल्ड जो मिलेगा वो 4 KB ही मिला और इसमें जो है आपके क्या हो जाएगा, दैट इज लाइक 3 KB अनलेबल्ड है एंड 3 KB अनलेबल्ड है, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर सिक्स केस में देखें तो बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी पे कट करोगे तो बी प्लस सी, यहां पे एक इंड लेबल्ड हुई होगा, ये इस तरीके से यहां तक रहेगा बी और सी दिस वन, आपको क्या मिलेगा 4 प्लस 3, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 1, यहां पे जब कट कर रहे थे बी और सी पे तो दिस इज 7 KB, 7 KB आ जाएगा लेबल्ड इस एंड से और 2 KB और 1 KB जो है ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर सेवेंथ केस है दैट इज सी प्लस ए, सी प्लस ए करोगे यहां और यहां तो अगेन आपको क्या मिलने वाला है, देखिएगा कि एक के ए पे तो यहीं पे आ जाएगा 4 KB और फिर बीच में आ जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 2 KB और लास्ट में आ जाएगा 1 KB दैट विल बी लाइक 4 KB विल बी आपका ये हो जाएगा 5 KB यहां पे 1 KB यहां पे, ठीक है। एंड लास्ट में दैट इज 8 कंप्लीट डाइजेशन दैट ए प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या हो जाएगा कंप्लीट केस हो जाएगा, बस एक एंड पे लेबल्ड होगा और कुछ की बात है ही नहीं, दैट शुड बी लाइक इस एंड पे लेबल था तो 4 3 2 1, तो लेबलिंग जो है 4 KB, फिर अनलेबलिंग में 3 KB 2 KB एंड 1 KB। सो दिस इज द केस, अगर आपने देखा तो यहां पे इस तरीके से केसेस जो है वो बन रहे थे, लेबल्ड अनलेबल्ड लेबल्ड अनलेबल्ड। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लेबलिंग फॉर्म जो है वो डबल डाइजेशन का कोई फर्क पड़ा क्या, मतलब डबल डाइजेशन का इमेंटू से अगर हम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस वाले जो है उनका ज्यादा रोल नहीं समझ में आया,
सी लाइक देखिएगा यहाँ पे इनका ज्यादा रोल जो है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि लेबल्ड तो में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, लेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा 4KB, क्यों? क्योंकि टाइप जो है, हम टाइप के ऊपर बात करें, आपको कितने डिफरेंट साइज ऑफ लेबल्ड मिले, एक 10KB, एक 4KB, एक 7KB, एक 9KB, 4KB 7KB ऊपर उस टाइप का मिल ही चुका है, तो फोर डिफरेंट टाइप मिला, फोर टाइप्स ऑफ लेबल्ड, ठीक है। और इसी तरीके से आप अगर देखें तो अनलेबल्ड में देखिए क्या क्या मिला, एक 7KB, एक 3KB, एक 1KB, 4733 मिला ही था, एक 2KB, एक 5KB, 11। सो दिस इज लाइक 5 अनलेबल्ड तरीके से आपको ये चीजें मिल गई, ठीक है। तो क्या मिला आपको, कुछ लेबल्ड और कुछ अनलेबल्ड के केसेस इस तरीके से आपको मिल गए। सो पार्शियल डाइजेशन में आपको लेबल्ड, अनलेबल्ड, लेबल, अनलेबल्ड की बात की जा रही है। यहां पे मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन में ये सारा का सारा केस हो जाएगा, यानी कि टाइप्स ऑफ लेबल, ठीक है। यहां पर अगेन देखिएगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट विल हेल्प यू। कंप्लीट डाइजेशन याद है, जब हम पार्शियल डाइजेशन के ऊपर बात करें तो पार्शियल डाइजेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ध्यान देना कि पार्शियल डाइजेशन में नंबर ऑफ लेबल्ड फ्रैगमेंट इज इक्वल टू द लाइक जो लीनियर डीएनए का टोटल फ्रैगमेंट था, दैट इज n+1। नंबर ऑफ लेबल्ड फ्रैगमेंट डिफरेंट टाइप्स आपको ये मिलेगा अगर वन इन पे है, n+1, वेयर n इज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर आप देख पा रहे होगे तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि एक इंड पे आपने लेबल किया था, और लेबल करने के बाद आपके पास 4KB, 3KB, 2KB एंड 1KB के फ्रैगमेंट्स थे, और इसमें आपने जब कट किया था पार्शियल डाइजेशन पे तो आपको एक मिला था 10KB का लेबल्ड, एक मिला था 9KB का लेबल्ड, और एक मिला था 7KB का लेबल्ड, और एक मिला था 4KB का लेबल्ड, और टोटल कितने मिले थे, 4। एंड यहाँ पे साइट कितने था, 1, 2 और 3। यहाँ पे साइट देखो, साइट इज 3, तो लेबल्ड फ्रैगमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 3+1, दैट शुड बी 4। ये है 10, लाइक 10, 9, 7। और ये कैसे होगा, इट्स अ वेरी सिंपल। पहले क्या करना था, एक बार देखो, एक पूरा, उससे एक एक कम करते चले जाओ, एक बार एक स्टेप कम, फिर एक बार एक स्टेप कम, और एक बार एक स्टेप कम। क्या किया आपने, कैसे पता चलेगा, इसमें देखिए लेबल्ड वन, एक एक स्टेप कम करते चले जाओ, जस्ट सिंपल। पहले पूरा 10, फिर 9, फिर उसके बाद देखिए 7, उसके बाद 4। ये लेबल्ड वन, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। लेबल वन एक एक स्टेप जो है कम करते चले जाना था, एक एक साइट, ठीक है, स्टेप वाइज में। सो दिस इज द केस जो कि आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन सर्कुलर के लिए अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करना कि वन केसेस जो आ जाते हैं, दैट पार्शियल डाइजेशन फॉर सर्कुलर डीएनए इज नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, बहुत अप्लीकेबल नहीं होता। अब सर्कुलर डीएनए को क्या करो, पहले लीनियर में करो एंड देन उसके बाद करो, मेक इट लीनियर। क्यों? क्योंकि हमें लेबल्ड करना होता है, बिकॉज लेबलिंग रिक्वायर्ड हो जाता है। सो पहले उसको लीनियर करो, देन उसके बाद आप क्या करो, लेबल करो एंड देन डू द पार्शियल डाइजेशन। तो दिस इज द केस जो कि आपका इन्वॉल्व हो जा रहा था।